हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे स्मार्टफोन की बैटरी कैसे सेव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि आप कुछ करते भी नहीं हो, आपको पता नहीं होता है, रनिंग में आपका जो है बैटरी कंज्यूम होता रहता है, उसको आज हम कैसे बचा सकते हैं, एक्स्ट्रा जो बैटरी हमारा खर्च हो जाता है स्मार्टफोन का। तो कुछ मैं आपको टिप बताऊंगा, पांच ऐसे टिप बताऊंगा जिससे आप अपने स्मार्टफोन का बैटरी जो है कि फालतू में कंज्यूम होने से बचा सकते हो। तो किस तरह बचा सकते हो, आज हम वही बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सो दोस्तों, पहला टिप मैं बताऊंगा कि जैसे आप अपने स्मार्टफोन का, जैसे आपका स्मार्टफोन में एक लोकेशन दिया हुआ है, जीपीएस जिसको बोलते हैं। दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो ना, तो आपको कुछ सारे परमिशन देने होते हैं ऐप में, ताकि आपको जो उस ऐप को एक्सेस कर सके। तो उसमें क्या होता है, आपका लोकेशन भी एक्सेस दिया होता है अलाउ करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो उसमें आप अलाउ कर देते हो लोकेशन, ठीक है। तो बहुत सारे, ज्यादातर जितने भी ऐप आते हैं, सब में जो है कि लोकेशन अलाउ करना होता है। उससे क्या होता है दोस्तों, जैसे आपका अगर जीपीएस ऑन रहता है ना, तो जितने ऐप होते हैं आपके रनिंग में होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है कि जीपीएस आपका जो है कि कैप्चर कर रहा होता है, ठीक है। तो आप जैसे जीपीएस ऑन रखते हो ना, तो जितने सारे ऐप में आपने अलाउ किया हुआ है लोकेशन, ठीक है, उसका जो है कि लोकेशन वो खींचता रहता है सर में, उससे आपका बैटरी काफी ज्यादा जो है कि कंज्यूम होता है। तो अगर आपको अगर लोकेशन के सर्विस से कोई काम ना हो, तो आप अपना जीपीएस को ऑफ कर दो, ठीक है। जीपीएस ऑफ करने से काफी हद तक आपका बैटरी बचेगा। दोस्तों दूसरा टिप बताऊंगा, दूसरा टिप ये है कि जैसे हम कई सारे ऐप रनिंग करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, या आप सोशल मीडिया, या कोई भी आप जैसे सर्विसेज ऐप सारे हम रनिंग में रखते हैं, ठीक है। तो रनिंग में जैसे कि हमें कोई रनिंग में रखने से क्या होता है कि जो हमारा ऐप का ऐप जो होता है ना, वो बैकग्राउंड में रन करता रहता है, ठीक है। उससे हमारा डाटा भी खाता है और बैटरी भी, ठीक है। तो जैसे हमें जो ऐप चलाना हो, सिर्फ उसी को रनिंग में रखना चाहिए, बाकी क्या करना चाहिए, उसको रनिंग से आउट कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, जो हमारा बैटरी फालतू जो है कि कंज्यूम होता, उससे बचेगा। सो दोस्तों तीसरा चीज बताना चाहूंगा, जब भी आप गेम खेलते हो ना, तो आपके फोन में गेम मोड दिया होता है, ठीक है। गेम मोड दिया होता है, उसको आप ऑन कर लो। उससे क्या होगा कि जब भी आप गेम खेलोगे, जो आपके फालतू के एप्स वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह जो है कि जो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं ना, वो सारे बंद हो जाएंगे, वो आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जो भी ऐप आपका रनिंग में चल रहा होता है बैकग्राउंड में, वो प्रॉपर एक तरह का फोर्स स्टॉप हो जाएगा, जिससे आपका बैटरी जो है कि काफी बचेगा और आप गेम भी बढ़िया से खेल सकते हो। दोस्तों चौथा चीज बताना चाहूंगा, चौथा टिप्स ये है कि जब जैसे आपको कोई भी, मान लो ऐप आप चला रहे हो, बहुत सारे ऐप होते हैं हमारे फोन में, बहुत सारे के जैसे काम हमें वीकली पड़ता है, एक दो दिन में काम पड़ता है, या जैसे कि तीन चार दिन, एक वीक में काम पड़ता है कोई ऐप का, हम उसको भी इंस्टॉल कर रखते हैं क्योंकि हमें काम होता है उससे। मान लो कि हमें किसी को पेमेंट करना होता है, पेमेंट ऐप हम हमेशा नहीं खोलते हैं, उसको ओपन हमेशा नहीं करते हैं, कभी कभार हमें काम होता है। तो दोस्तों क्या करना, उसके सेटिंग में जाना है, ऐप सेटिंग में। ऐप सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों उसको क्या करना है, वहां से इधर बैटरी सेवर का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, बैटरी सेवर का ऑप्शन जा करके आपको ऑन कर देना है। बैटरी सेवर का ऑन ऑप्शन कर दोगे ना, तो इससे आपका जो है कि फालतू बैटरी जितना उसमें कंज्यूम हो रहा था, वो होना बंद हो जाएगा, और सिर्फ काम के टाइम ही आपका जो है कि वो बैटरी, मतलब जो भी है, कंज्यूम करेगा, वैसे नहीं करेगा। दोस्तों पांचवा और आखिरी अहम टिप बताना चाहूंगा कि अगर आपको जैसे आपके मोबाइल में बैटरी बहुत कम बचा हो, मान लो 20% है, 25% है, आपको इवनिंग तक लेके जाना है, उसको आप चार्ज नहीं कर सकते किसी कारण से, आप बाहर चल रहे हो, घूम रहे हो, या कहीं जॉब पे, ऑफिस में आपके पास चार्जर नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको अगर आपको इवनिंग तक लेके जाना है बैटरी को, तो आपके फोन में एक दोस्तों बैटरी सेवर दिया होता है अलग से ऑप्शन, ठीक है। बैटरी सेवर आप ऑन कर दोगे ना, तो जितने भी फालतू के सिंक होते हैं ऐप में, सिंक होना बंद हो जाएंगे, आपके बैटरी दोस्तों स्टैंड बाई मोड पे हो जाते हैं, काफी ज्यादा चलते हैं। दोस्तों उसमें क्या होता है, एक घंटे के अगर बैटरी आपको शो कर रहा हो कि एक घंटे चलेगा, तो दोस्तों वो तीन घंटे चलेगा, आपका बैटरी है बैकअप बढ़ जाएगा और काफी ज्यादा आपको टाइम मिल जाएगा आपके फोन को ऑन रहने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही और भी टिप्स वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।